स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। रात के 12 बजे से ज्यादा वक्त हो चुका है, मुझे किसी का कॉल आया, हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे। एक महिला जो पढ़ी लिखी है, उसके कान में गोल्ड है, गोल्ड उसने पहना हुआ है और अच्छे घर से है, इंग्लिश में बात करती है, तो कभी गुस्सा हो जाती है, लेकिन रात के 12 बजे अभी सड़क पे है। यहां से मुझे वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। ये न्यू प्लॉट का एरिया है, रोड़ियां दी छपड़ी, न्यू शिव मंदिर उसके बिल्कुल पास। और ये महिला मैं आपको जरूर इनके पास लेके जाऊंगा, इनका चेहरा भी आपको दिखाऊंगा ताकि आप लोग इनको पहचान सको। आंटी आप बैठ जाओ यहीं पे, आप कहीं नहीं जाओगे। इनके कान में गोल्ड है, आप इनको पहचानिए ये कौन है और रात को 12 बजे बाहर क्यों है। कश्मीरी कम्युनिटी से ये है और कुछ लोगों ने इनको चाय खाना कुछ दिया है, लेकिन अभी रात को 12 बजे क्यों घर से बाहर हैं ये समझना होगा। और हम कोशिश भी करेंगे कि कहीं हम इनको रेस्क्यू, आप कुछ बात करेंगे मुझसे, आप मुझे कुछ बात करेंगे मुझसे, आप रात को 12 बजे बाहर क्यों हो? आपको कौन सी एम्प्लॉय है मेडिकल कॉलेज, आपको कौन सी चट्टी, आई एम मेडिकल हॉस्पिटल, आपको कौन सी प्रॉब्लम, बाहर क्यों हो रात को इस वक्त? तो नहीं बाहर बैठूंगी, मेरा पेशेंट है यहाँ से, तो नहीं रहूंगी बाहर। कहाँ पे पेशेंट आपका, हम आपको छोड़ के आते हैं वहाँ तक, हम चलते हैं साथ में आपके, आपको छोड़ के आते हैं, इतनी ठंडा आप बीमार हो जाओगे। हाँ आ जाओ आ जाओ, हम आपके साथ चलते हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ आराम से आओ आप। आप इनको लेके चलो साथ साथ, यहाँ जाएंगे हम छोड़ के आएंगे, कोई बात नहीं। और ये कहाँ मिले थे आपको? सर जी हमारी दुकान है सामने, तो 8 बजे समय रेडी लगती है चालू की, तो मुझे कह रहे हैं कि 9 बजे कहते हैं कि 1 घंटे घंटी इधर आगे पीछे घूम रहे हैं, 8 बजे से घूम रहे हैं, कभी शॉप पे देख रहे हैं, उस शॉप पे देख रहे हैं, इनको थोड़ा पता नहीं लग रहा है इनको, तो अभी 10 बजे मैं और छोटा ब्रदर आए। कहाँ जाना है, कहाँ पेशेंट आपका, आपका अब मार लो, हमें मारना बच्चे की तरह आपके, कहाँ जाना है आपने, कहाँ पेशेंट आपका? गाड़ियाँ आ रही हैं, वहाँ पे ठंड है, आप बीमार हो जाओगे, गड्डी आ रही है राम भैया साइड, मुझे पता आंटी मेरी बात सुनो ना, तभी हम आपको कह रहे हैं आप ठंड है, आप आराम से बैठो, आपको कहाँ छोड़े हैं हम, कोई बात नहीं, हम सर को फोन करते हैं आपको ले आते हैं, ऐसे जाने का क्या फायदा, देखो जी सब आप अपने, आपको कहाँ जाना, कहाँ पे सब आपके अपने हैं, तभी आपको कह रहे हैं, अब मेरी बात मानो, गुस्सा नहीं करो, आप बच्चे हैं आपके, हम ऐसी कोई बात नहीं, इतनी ठंड है, आप इतना क्यों बोलते हैं, मैंने बोला आप इधर बैठो आराम से, ठंड है, मेरी बात सुनो आप, मेरी बात, इसने क्या जितना गोल्ड आपने पहना हुआ है ना, जितना गोल्ड आपने, ऐसा मत करो, ये गलत बात है, ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, आपके लिए मुश्किल, मेरी बेटी को क्या किया हमने, क्या किया आपको, क्या चाहिए इस वक्त, आप क्या चाहिए आपको रात को मेरे साथ तंग करने के लिए, मैं तो मेंटल मेडिकल कॉलेज, आपको क्या चाहिए, कहीं छोड़ दें आपको, कहीं छोड़ दें आपको, मैं तो बीमार हो रहा हूँ, मेरे को कोई सके क्या हो गया, किसी ने आज तक पूछा भी नहीं, आप परेशान, ये देखो तुम तो को भी क्या हो गया, यहाँ देखो टांग को भी क्या किया लोगों ने, आज तक पूछा नहीं, आज तक सड़क पर ही निकलना पड़ा, आज आ गई ऐसे ऐसे मुसीबत, हम आपको कहीं छोड़ देंगे, हम बंद करते हैं, बंद करते हैं, आप क्या लगते हैं, हिंदू लोग भी इतने अच्छे हैं, ये भी तो हमारे भाई हैं, आप इनको बुलाया नहीं, आपका गुस्सा नहीं, अब ये हमारे बड़े भाई हैं, हमने तभी इनको बुलाया, मुझे लगता है इनको कोई ट्रॉमा है, कोई धक्का हुआ इनके साथ, कोई दिक्कत हुई है इनके साथ, हाँ हम नहीं करेंगे आप, चलो चलो चलो, आप बैठ जाओ वहीं, भैया मुझसे आप बात कीजिए, आप बैठो वहीं पे, आप बैठ जाओ, हम लोग जा रहे हैं, बैठा दो, ऐसा ये बताओ आप कब से इनको देख रहे हो? सर जी 8 बजे मैं अपनी दुकान पे बैठा था, सामने ये हमारी दुकान है, तो इधर रेडी लगती है कचालू की, कहता 8 बजे आंटी आगे पीछे घूम रहे हैं, इनको घर का पता नहीं लग रहा है, हम दुकान बंद की हम चले गए, मैंने छोटे ब्रदर को बोला चल हम नजर मारते हैं, क्या पता आंटी इधर नहीं बैठे हो, हम घर से आए देखा आंटी इधर साइड पे बैठे थे, ठंड थी, मैंने पूछा मैंने आंटी कहाँ से आए, कहते
मैं बेटा कहीं से नहीं, आप जाओ, मैं रात को 2 बजे घर चली जाऊंगी। मैंने बोला नहीं, ये तो गलत बात है, ठंड है, बीमार बुजुर्ग। बाद इन्होंने इतना गोल्ड पहना हुआ, खतरनाक है ये। वही वही सर, वही बात है। फिर तभी हमने बोला कि अब हम क्या करें। फिर ब्रदर बोला नहीं, आप सर को फोन कीजिए, वही आएंगे रात को, और कोई नहीं आ सकता। हम इनको यहाँ से रेस्क्यू कर सकते हैं, रैन बसेरा ले जाएंगे, लेकिन ये तैयार नहीं जाने के लिए। इनको जबरदस्ती तो ले नहीं जा पाएंगे ना सर, लेकिन करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। इनको ऐसे छोड़ नहीं सकते। नहीं नहीं, जितना गोल्ड इन्होंने पहना है ना, परेशान हो रहे होंगे, उनको कब से परेशानी होगी, कहाँ गई आंटी कहाँ नहीं। इसलिए सर ये कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सर इनका। और कैमरे को देखकर गुस्सा भी हो रहा, गुस्सा हो रहे हैं, मैं भी गुस्सा कर रहे हैं। हमें कह रहे थे आप जाओ, फिर आप करें क्या आप सर, वो तो आप देख लीजिए क्या कर सकते। अभी सब अपने घर के ही हैं, आपको बुलाया ना, आप कुछ कह रहे हो। लेकिन इनकी मर्जी के बिना जबरदस्ती तो हम नहीं ले जा सकते ना। रैन बसेरा ओपन है इनके लिए, वो इनको रख लेंगे तो फिर यही पहरा देना पड़ेगा सारी रात, और क्या कर सकते हैं। या पुलिस को बुलाना पड़ेगा, हाँ सर वही करेंगे, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। इसके बाद पुलिस को कॉल करते हैं। जी जी हाँ, अगर नहीं मानते हैं तो उसके बाद बुलाना पड़ेगा। कि कैमरा को देख कर के जी कुछ कहना चाहते हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले। तो ये पहले कभी देखा है इनको यहाँ पे? नहीं, मैंने नहीं देखा कभी, पहले कभी नहीं देखा। ये किसी अच्छे घर से हैं, क्योंकि अच्छे घर से हैं, और इसलिए भी ये लोग यहाँ रुक गए हैं क्योंकि रात के 12 से ज्यादा टाइम हो गया, और जितना गोल्ड इन्होंने पहना हुआ है वो इनके लिए खतरनाक भी है। मैं सिर्फ हम पता अकेला नहीं छोड़ सकते, ठंड भी है, मर जाएगी। तो पुलिस ही ऑप्शन है हमारी, हमारे पास इंसानियत हमारे पास ऑप्शन है, इंसानियत हमारे पास है। पुलिस की गाड़ी भी एक निकल रही है यहाँ से, शायद रोम कर रही है। रुकेंगे ये लोग क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी है, तो उसको देख कर जरूर रुकेंगे। ये अच्छी बात है कि पुलिस भी यहाँ पे आ गई, तो ये चीजें हो जाएंगी। कंटिन्यू भाजी, एक औरत है यहाँ पे जिसने बहुत गोल्ड पहना हुआ है, अच्छे घर से है, लेकिन बाहर बैठे हैं। आप चेक कर लो एक बार, पास नहीं जाना कैमरा लेकर, वो एंगर आ गया। सर, उन्होंने काफी गोल्ड पहना है, पढ़े लिखी फैमिली से हैं, लेकिन यहाँ बैठे थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है, लेकिन डिप्रेशन में है। कहती मेरी बेटी को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितना गोल्ड इन्होंने पहना ना, इनके लिए खतरनाक है। आपको 12:30 एक बज गए हैं, तो मुश्किल हो जाएगी। अपने पास नहीं आने दे रहे किसी को वो। हम तो रैन बसेरा शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इनकी इनकी इनके वो बिलिंग भी चाहिए ना। अब शायद कुछ हो जाएगा। पुलिस यहाँ रोम कर रही थी, शायद इनका रेगुलर रोम रहता होगा, उसी के चलते इन्होंने यहाँ भीड़ देखी, रुक गए। तो मुझे लगता है कि रात का शेल्टर इनको मिल जाएगा, सेफ हैंड्स में है, ये कह सकते हैं कि अब ये महिला सेफ हैंड्स में है। और बहुत बहुत शुक्रिया उस आदमी का जिसने मुझे कॉल किया, यहीं पे थे। साहब आपका नाम क्या है? मुकेश गुप्ता सर। मुकेश साहब, अब पुलिस भी आ गई है, लगता है हमारा रोल खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारा तो फर्ज है सर, जो भी कोई आगे पीछे हो तो उनकी मदद करना हमारा फर्ज है। एब्सोल्युटली, हमारे पास एक ही ऑप्शन था, रैन बसेरा, लेकिन इनका इनका बिहेवियर जो है वो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा डिप्रेशन में भी होंगे, घर में कुछ प्रॉब्लम होगी, पता नहीं क्या, लेकिन अच्छे घर से हैं ये कह सकते हैं। पुलिस कह रहे हैं कि वुमन विंग में फ़ोन कर रहे हैं, तो अब ये पुलिस संभालेगी। जो भी अपडेट डेट रहेगी हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे, लेकिन इतना कह सकते हैं कि ये महिला अब सेफ हैंड्स में है, अब सेफ हैंड्स में है। और जब तक ये यहाँ से रेस्क्यू नहीं हो जाते तब तक हम यहीं पे हैं, हम और ये सब लोग यहीं पे हैं, जब तक ये यहाँ से रेस्क्यू नहीं हो जाते। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।